एनोड एक फिजिकल बेस्ड रेंडर है, तो विदाउट लाइट ये रेंडर नहीं होता है। तो मुझे इसके अंदर रेंडर के लिए एक यहाँ से काय डोम लाइट, तो ये एक डोम क्रिएट हो जाएगा जो स्काई डोम लाइट है, मतलब सब तरफ से लाइट होगा। और यहाँ तक प्लेन है, ऊपर व्हाइट आ रहा है क्योंकि ऊपर का रिफ्लेक्शन ये है, नीचे का प्लेन का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है और बॉक्स मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। तो तीन ऑब्जेक्ट इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर रिफ्लेक्ट हो रहे इसके अंदर, मैं स्फेयर का प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ, जैसे स्फेयर के अंदर गया तो मेटल ने जीरो, लेकिन फिर भी क्यों शो कर रहा है, ये हल्का हल्का शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेकुलर लेवल है। जब भी स्पेकुलर रहता है, स्पेकुलर्स जैसे इसका वेट 1 है, तभी भी इसके अंदर रिफ्लेक्शन आता है। तो रिफ्लेक्शन दो चीज से आता है, एक तो स्पेकुलर रोशनी से आता है और एक आता है रिफ्लेक्शन से, जैसे मेटलनेस यहाँ पे, तुम इसको रिफ्लेक्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे ज्यादा रिफ्लेक्शन चाहिए तो मेटलनेस और बढ़ाओ, तो तुमको ये ज्यादा रिफ्लेक्शन आएगा इस तरह से। मतलब ये मिरर है, अभी अभी के लिए मिरर है, लेकिन अभी भी मिरर नहीं, क्लियर मिरर नहीं, ये ब्लर है। ब्लर अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो शायद से तुमको दिखाई देगा, इसके अंदर जो बॉक्स आ रहा है वो क्लियर नहीं दिख रहा है, सब ब्लर ब्लर दिख रहा है। तो ये रफनेस 0.1 है, इसका मतलब क्या होता है, जब स्पेकुलर के अंदर रफनेस है तो मतलब स्पेकुलर रफ होता है, रफ मतलब वो क्लियर नहीं है। रफनेस का मतलब क्या है, क्लियर नहीं है, ऐसा होता है। अगर रफनेस बढ़ता है तो हाईलाइट क्लियर नहीं, ब्लर हो जाता है, इसके वजह से क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ब्लर दिखता है। अगर मैं इसको जीरो करूँ यहाँ से, तो अगर तुम बिफोर आफ्टर चेक वो दिख रहा है, तो ये अभी क्लियर हो रहा है, मतलब इसके अंदर ब्लर नहीं है। और जैसे मैं रफनेस बढ़ाता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट हो रहा है मैट। ठीक है, तो अगर तुमको ऐसा मैट ब्लर टाइप क्लियर करना है तो इसके थ्रू कर सकते हो ऐसा। ठीक है, ये तो कितना ब्लर करना है इसे तुम सेट कर सकते हो। तो अगर मैं इस सेम मटेरियल अप्लाई करूँ किसी बॉक्स के ऊपर यहाँ पे, तो और इस चीज को मैं यहाँ से कागा रेंडर और रेंडर का विंडो, ये तो सेम मटेरियल अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे इसका मटेरियल जो है या स्टैंडर्ड सरफेस वन, इसका नाम है स्पेयर का जिसपे अप्लाई कर चुका है, तो मुझे एग्जिस्टिंग मटेरियल अप्लाई करना है सेम बॉक्स के ऊपर। तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, और यहाँ पे देना है एआई स्टैंडर्ड सरफेस, मतलब जो मैंने यूज किया है वो लास्ट वाला। तो राइट क्लिक करके असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल पे क्लिक करना, देखो इस तरह से। ठीक है, रफ हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रफ है। अगर मुझे ये प्रॉपर मिरर चाहिए तो मिरर कुछ ब्लर भी नहीं होता, क्लियर होता है। तो अगर मुझे मिरर क्रिएट करना है तो एक इसको रफनेस को जीरो कर दो और वेट को फुल कर दो, बस कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल बेसिक। सबसे इजी मटेरियल जो होता है दो चीज का होता है, एक होता है मिरर और एक होता है क्लियर ग्लास, उसके अंदर कोई पैरामीटर चेंज नहीं करने है। सिर्फ क्या करना होता है, रफनेस 0.1 डिफॉल्ट रहेगा एलॉट के अंदर, उसको जीरो कर दो, और वेट 0.8 वाइट है मतलब तो मिरर। ठीक है, और अगर तुमको कलरफुल करना है तो उसको बोलते हैं बैक पेंटेड ग्लास। कभी कभी ये पैरामीटर काम नहीं करेगा क्योंकि रेंडर चलते रहता है यहाँ पे, तो रेंडर ऑफ करने के लिए यहाँ पे दिया स्टॉप का सिंबल, उस पर क्लिक कर दो तो ये रेंडर स्टॉप हो जाएगा। फिर तुम इसका कलर चेंज कर सकते हो जो तुमको करना है, वो भी प्ले कर दो इसको, तो ये होगा तुम्हारा बैक पेंटेड ग्लास। लेकिन इतना ज्यादा नहीं चाहिए, इतना क्लियर नहीं चाहिए, तो फिर मेटलनेस को थोड़ा कम कर दो, इतना क्लियर नहीं रहता है वो, कम रहता है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कलर चेंज करना है इसका कोई भी कलर, क्योंकि तो अलग अलग कलर के बैक पेंटेड ग्लास होते हैं, तो कलर चेंज करना है और मेटलनेस तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, कितना रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है उसके हिसाब से तुम कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया बैक पेंटेड ग्लास। और क्या बनेगा, और इससे प्लास्टिक और जो भी चीज तुम करना है तुम इसके थ्रू बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दो मटेरियल्स। चलो ठीक है, दोनों का मटेरियल लेके, लेकिन इससे दोनों को इफेक्ट सेम आ रहा है, स्पेयर का और तुम्हारा जो बॉक्स है उसका मटेरियल अभी के लिए सेम है। ठीक है, तो अभी मैं रफनेस का और थोड़ा बताता हूँ। ये जो नीचे का प्लेन है,
इसके ऊपर मैं न्यू मटेरियल अप्लाई करता हूँ, असाइन न्यू मटेरियल इस तरह से, और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ एआई स्टैंडर्ड सरफेस, और एआई स्टैंडर्ड सरफेस के अंदर मैं यहाँ से कलर थोड़ा डार्क करता हूँ। अभी मैं डार्क क्यों कर रहा हूँ, इसका नीचे बेस का कलर सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी कलर डार्क रहता है तो रिफ्लेक्शन थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है, इसलिए मैं इसका कलर कम करता हूँ, रेंडर विंडो ऑन कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से किस तरह से ब्लर हो रहा है, तो ये रफनेस से ब्लर होता है, तो अभी इसके अंदर मेटलनेस को रखना है तो रखो, मेटलनेस नहीं रखोगे फिर भी ये रिफ्लेक्शन आएगा क्योंकि इसके अंदर स्पेकुलर है। स्पेकुलर अगर इसका मैं स्पेकुलर लेवल अगर जीरो करूँगा तो इसके अंदर कोई भी मतलब रिफ्लेक्शन और ग्लोसीनेस नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी ग्लोसीनेस और रिफ्लेक्शन नहीं रहता है। तो ऐसा क्रिएट करना है तो तुमको क्या करना है, स्पेकुलर वेट जीरो करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं स्पेकुलर बढ़ाऊंगा तो इसके अंदर हल्का हल्का रिफ्लेक्शन तुमको दिखाई देगा, ठीक है। अभी तुम बोलोगे कि स्पेकुलर से भी तो रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब मैं मेटलनेस बढ़ाता हूँ तो रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है तो डिफ्यूज कलर कम हो जाता है, ठीक है, और वेट उसके बाद हम कितना ही बढ़ाऊँ, अगर मैं इसको कितना ही बढ़ाऊँ तो डिफ्यूज कलर का प्रॉपर्टी सेम रहता है, मतलब वेट ये जो डिफ्यूज कलर है इसका प्रॉपर्टी सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन उसके अंदर ऐड होता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो और दूसरा ऐसा है स्पेकुलर कलर जो रहता है वो कभी भी वो चेंज ही नहीं होता है, ये कभी भी व्हाइट ही रहता है, मतलब प्रैक्टिकल व्हाइट होता है। अगर तुम देखोगे जैसे कि अगर मैं एक एक दूसरा स्पेयर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने क्रिएट किया इस चीज़ को, स्पेयर को यहाँ से इसके ऊपर में असाइन न्यू मटेरियल अप्लाई करता हूँ अर्नोल्ड्स के अंदर एआई स्टैंडर्ड सरफेस के अंदर जाके, तो तुमको यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले में एक ग्लोसी डॉट आ रहा है, ये तुम्हारा स्पेकुलर है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया तुम्हारा रफनेस का सेटिंग, लेकिन स्पेकुलर एक अभी इसके अंदर तुमको अगर यहाँ पे देख रहा है प्रॉपर तो इसके अंदर स्पेकुलर है इसके अंदर, लेकिन अगर मैं कोई बॉक्स क्रिएट करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर दिया है कुछ इस तरह से, ये बॉक्स क्रिएट करने के बाद में सेम मटेरियल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एआई स्टैंडर्ड सरफेस थ्री, यहाँ से रीनेम कर सकते हो। तो ये सेम मटेरियल अगर मैं अप्लाई करता हूँ एग्जिस्टिंग मटेरियल सरफेस थ्री, तो अगर तुम अभी देखोगे बिफोर इसके अंदर तो जो हाईलाइट आ रहा है मेरा स्पेयर के ऊपर वो सेम हाईलाइट इस पे शो नहीं करेगा बॉक्स पे, इसका रीजन है कोई भी अगर स्मूथ ऑब्जेक्ट लेगा जहाँ पे कर्व है, कर्व मतलब जहाँ पे ज्यादा सेगमेंट से वो बेंड हुआ है, जैसे यहाँ पे गोल है बेंड हुआ है ना सेगमेंट इसके, जैसे यहाँ पे बेंड नहीं हुआ है पूरा स्टार्ट पे बॉक्स है, तो इसके पास स्पेकुलर दिखाई देता है लेकिन है। लेकिन अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा मॉडिफाई करूँ, जैसे मैं यहाँ से इसको बेवेल अप्लाई करूँ, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कर्व हो जाएगा इसको, और इसके अंदर सेगमेंट ऐड हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या, इसका हाईलाइट थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पे शो करेगा, लेकिन वो एंगल पे डिपेंड होता है, दिख रहा है। फिर भी इसको अगर तुम देखोगे नीचे बेस के ऊपर में यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके इसको रेंडर कर लेता हूँ, इस चीज को प्ले कर देता हूँ, एक्टिव हो जाएगा, तो ये जो दिख रहा है ये तो अभी तुम्हारा ब्लर है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ऐसे। तो ये तुम्हारा कितना ब्लर रखना है, क्या करना है वो, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका मटेरियल नहीं, इसे क्लिक करता हूँ, ये इसका मटेरियल है, इसका रफनेस क्लिक करता हूँ, क्लियर है। तो अभी उसके बाद में वेट मतलब क्या है, स्पेकुलर का लेवल, ठीक है, वेट जीरो तो स्पेकुलर नहीं है, वेट फिर तुम सेट करो कितना स्पेकुलर चाहिए, 1 डिफॉल्ट रहता है। कलर अगर मैं चेंज करूँ तो तुम कलर चेंज कर सकते हो, जिससे इसके अंदर स्पेकुलर जहाँ जहाँ हाईलाइट पे ये कलर आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं आता है, प्रैक्टिकली व्हाइट ही होता है, व्हाइट ही चाहिए, तो इसको तुम व्हाइट करो,
लेकिन अगर कोई सीन ऐसा है अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हाईलाइट थोड़ा कलर चेंज करना हाईलाइट्स का हो सकता है तो तुम उसको चेंज करो, प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं होता, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है तुम कर सकते हो।